बेटा आज हम लोग ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो ओम्स लॉ एज यू ऑलरेडी नो दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर बन जाता है, वेयर आर इज योर रेजिस्टेंस। ये आपका ओम्स लॉ होता है। इस प्रैक्टिकल के जरिए इस ओम्स लॉ को हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका कनेक्शंस देख लेते हैं, एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, उस हिसाब से हम अपना सर्किट कनेक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बैटरी एलिमिनेटर होगा जिससे हम एक वोल्टेज के बारे में बताएंगे, इसमें एक फिक्स वोल्टेज रखेंगे, उसके बाद में वैल्यू चेंज करते जाएंगे। सेकेंड, इस बैटरी के पैरेलल एक बैटरी के सीरीज में ही आपका एमीटर कनेक्ट होता है जिससे उस लाइन में कितना करंट उस समय पास हो रहा है वो हमें उसकी वैल्यू पता चल सके। उसके बाद इसको हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया होगा जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड देन यहाँ पर हमने एक रियोस्टेट लगा रखा है टू मेंटेन द वैल्यू। इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं जिससे मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ कर सके और हमारी वैल्यू को दे सके। दिस इज़ योर बैटरी एलिमिनेटर, दिस इज़ योर रेजिस्टेंस, एमीटर एंड देन रियोस्टेट। इस हिसाब से देखिए, इस कनेक्शन के हिसाब से बैटरी का पॉजिटिव एंड देन एमीटर का पॉजिटिव। देखिए बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव, इसको कनेक्ट किया हुआ है एमीटर के पॉजिटिव से, बैटरी इसके देन एमीटर का नेगेटिव यहाँ पर ये आपका कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस बॉक्स में, रेजिस्टेंस बॉक्स में एमीटर के नेगेटिव को कनेक्ट कर रखा है इसे, रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से रियोस्टेट के एक एंड को कनेक्ट कर रखा है, रेजिस्टेंस के इससे रियोस्टेट को एक कनेक्ट कर रखा है। इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, देखिए यहाँ पर बैटरी एमीटर के नेगेटिव से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है, एमीटर के नेगेटिव से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, एंड देन वोल्ट मीटर के नेगेटिव से रियोस्टेट का वाला साइड है। इसके बाद रियोस्टेट के दूसरे साइड को एमीटर के नेगेटिव से हमने, बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर रखा है। तो ये हमारे कनेक्शंस पूरे हो गए, हम इसकी रीडिंग लेने चालू करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले हमने इसको 2 वोल्ट पर कनेक्ट कर रखा हुआ है, तो 2 वोल्ट पर इसकी रीडिंग निकालना चाहते हैं। देखिए 2 वोल्ट हमने यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इस इतने करंट के कारण यहाँ पर देखिए हमने 4 ओम रेजिस्टेंस निकाला हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स में से, तो हमारा इसके कारण कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और आपका पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है 1.5 से समथिंग कम, कुछ कम। तो इसकी वैल्यू को हम चेंज करते जाएंगे, वेरी करते जाएंगे अलग अलग रेजिस्टेंस पर। देखिए हम रेजिस्टेंस जैसे ही हमने चेंज किया यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो गई, एमीटर में भी एंड वोल्टमीटर में भी। हम जैसे ही यहाँ पर कुछ और वैल्यू को चेंज करेंगे देखिए, और यहाँ पर भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो अलग अलग रेजिस्टेंस पर हमको अलग अलग रीडिंग लेनी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेंज करके भी ले सकते हैं आप, बैटरी के पोटेंशियल को भी बढ़ा के इसकी रीडिंग्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो उसकी अलग अलग टोटल रीडिंग लेंगे, फिर टोटल उसका एक ग्राफ बनाएंगे जिससे हमारा एक अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है, हमारा अगर वोल्टेज एंड करंट के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन के लगभग आ जाती है हमारी अलग अलग रीडिंग्स लेने के बाद, तो हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।